विश्व के कई देश कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। भारत में मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मांग कई देशों ने की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दवाई की मांग की थी और भारत ने ये दवाई अमेरिका को उपलब्ध भी कराई। अमेरिका ने अब इस एहसान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। हाल के सालों में भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। इसी का उदाहरण है कि अब व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को फॉलो किया है। इसी के साथ पीएम मोदी दुनिया के एकमात्र नेता हो गए हैं जिनको व्हाइट हाउस फॉलो करता है। व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल दुनिया के किसी अन्य नेता को फॉलो नहीं करता। बता दें कि अब तक व्हाइट हाउस कुल 19 ट्विटर अकाउंट को फॉलो करता है, इनमें 16 अमेरिका के तो 3 भारत के हैं। भारत में जिन ट्विटर हैंडल को व्हाइट हाउस फॉलो करता है उनमें पीएम मोदी के अलावा पीएमओ इंडिया और भारत के प्रेसिडेंट के ट्विटर हैंडल शामिल हैं। हाल में ही अमेरिका को भारत की ओर से दवा दिए जाने के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। अब पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। जवाब में पीएम मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना को हराएंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब देते हुए लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इस तरह के वक्त दोस्तों को और करीब लाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी अभी तक के सबसे मजबूत दौर में है। भारत कोरोना के खिलाफ मानवता की इस लड़ाई में हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति की, इनमें अमेरिका भी शामिल है। इस दवा के अमेरिका को निर्यात के फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और भारत का आभार जताया था।